हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन इस सर्टिफिकेट को इशू करता है, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सर्टिफिकेट मेनली आपको जब ज़रूरत पड़ती है, जो आप गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो लीगल है या फिर नहीं, इस सर्टिफिकेट के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं, उस वो क्या प्रोडक्ट है और वो कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है। तो जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। हु इशूज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो अब बात करते हैं कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं वो इस सर्टिफिकेट को इशू करती हैं। तो ये सर्टिफिकेट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज वेल एज ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की तरफ से इशू किया जाता है। इन दोनों अथॉरिटीज़ की तरफ से ये सर्टिफिकेट इशू किया जाने का यही मोटिव है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं या फिर नहीं। यानी कि जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर नहीं, ये इस सर्टिफिकेट के थ्रू इंडियन एक्सपोर्टर्स को दिखाना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में साइन होना चाहिए एक्सपोर्टर का विद अ परमानेंट इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10। इस सर्टिफिकेट पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से साइन और स्टैम्प होने चाहिए या फिर इसी क्वालिफिकेशन वाले किसी दूसरी अथॉरिटी की तरफ से भी साइन और स्टैम्प आप करवा सकते हैं। ये गुड्स की ओरिजिन प्रूफ करने के लिए कॉमनली यूज्ड सर्टिफिकेट भी माना जाता है। टाइप्स ऑफ CEO, कितने टाइप्स के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं? तो दो टाइप्स के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इशू किए जाते हैं। सबसे पहला नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सेकंड प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सर्टिफिकेट ये स्टेट करता है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको कोई प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट नहीं मिलती है और उन पर ड्यू ड्यूटीज़ भी लगाई जानी चाहिए। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये वाला सर्टिफिकेट उन सामानों के लिए दिया जाता है दैट आर सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट एंड ड्यू ड्यूटीज़, एंड दीज ड्यूटीज़ मे बी रिडक्शन ऑफ नॉर्मल टैरिफ, जिसमें ऐसी एग्जेम्पशंस होती हैं जब दो नेशंस किसी एक ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं और उनके बीच गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। फॉलोइंग स्कीम्स अंडर विच इंडिया रिसीव्स टैरिफ प्रेफरेंसेस, तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनके अंडर इंडिया को टैरिफ प्रेफरेंसेस रिसीव होती हैं। सबसे पहले है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, सेकंड है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, थर्ड है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, सेकंड है इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर है आपका इंडो थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेकंड है इंडिया मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर है इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर लास्ट है आपका एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके अंडर इंडिया को टैरिफ प्रेफरेंसेस मिलती हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले अ कवर लेटर फॉर द इशू ऑफ CEO। सेकंड है डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग इंपोर्टेड। फिर है पैकिंग लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट इनवॉइसेस। फिर है 9 कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। फिर आपकी डिक्लेरेशन की कॉपी लगेगी, 1 कॉपी ऑफ द इनवॉइस विद द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है कि जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सारे इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर नहीं। प्रोसीजर फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉन प्रेफरेंशियल के लिए आपको www.coo.dgft.gov.in पर विजिट करना होगा और प्रेफरेंशियल के लिए आपको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए आपको www.indiantradeportal.in पे विजिट करना होगा। सब फिर वहाँ पे जाके आपको न्यू एप्लीकेशन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फिर आगे आप एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जो भी फीस एप्लीकेबल होती है वो आप वहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा जिससे आप अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है और इन फ्यूचर अगर आप ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।